हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, तो उनको शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर पाए। अश्विन साहब, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अश्विन, तो जिन बच्चों का भी ट्रिपल सी सितंबर और अक्टूबर एग्जाम में एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में हमने शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें तो ये भी क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को सेशन को शेयर कर देना है ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, आप सभी बच्चे जल्दी से क्लास में ज्वाइन हो जाइए। स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। स्टूडेंट, जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, तो आप सभी को प्रीवियस क्लास जो हमने लिया है, जो डे वन डे टू जो हमने क्लासेज लिया है, जो आप सभी ने नहीं देखा है, तो आप सभी उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल सीरीज है स्टूडेंट, जो कि रेगुलर क्लास आप सभी के लिए रात 10 बजे में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए। जो बच्चे हमारे क्लास में पहली बार या पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्रिपल सी रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है, क्लास को हम कंटिन्यू करें। तो आप सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। इसमें तो चलिए ऐसा करते हैं, आज के क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, सबसे आम प्रकार के स्टोरेज डिवाइस क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। इसमें जो बच्चे हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें जो बच्चे क्लास को बाद में देख रहे हैं, आप सभी बच्चे को कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, सबसे आम प्रकार के स्टोरेज डिवाइस क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। गलत प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टू, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स, तो कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका बताता है स्टूडेंट। तो आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। द टेस्ट टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स, तो टेस्ट कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका बताता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थ्री, All of the following are examples of real security and privacy risks except, निम्नलिखित सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिमों के उदाहरण है सिवाय इसके, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। इसमें आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, या जो बच्चे क्लास में अगर आ चुके हैं, तो आप सभी क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसमें तो आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, तो निम्नलिखित सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण है सिवाय इसके, तो किसके सिवाय एस्टिमेट्स है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एस पैम। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फोर, एन सिस्टम इज अ स्मॉल वायरलेस हैंड हेल्ड कंप्यूटर डेट स्कैन्स एंड आइटम्स टैग एंड पुल्स अप द करंट प्राइस एंड एनी स्पेशल ऑफर एज यू सॉ, तो एन सिस्टम एक छोटा वायरलेस हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो स्कैन करता है और आइटम का टैग और वर्तमान मूल्य और कोई विशेष ऑफर जैसे आप खरीदारी करते हैं। तो आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एन और सिस्टम इज ए स्मॉल वायरलेस हैंड हेल्ड कंप्यूटर डेट स्कैन्स एंड आइटम टैग एंड पोल्स अप द करंट प्राइस एंड एनी स्पेशल ऑफर एज यू शॉप, तो जल्दी बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बी एस एस ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फाइव, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल्स फ्रॉम क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉ इन्फोर्समेंट स्पेसिबिलिटी,
जल्दी बताना उसी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। किसी अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून परिवर्तन विशेषता का एक उदाहरण है जिसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है, जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सर्जन्स कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइस थ्रू कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ मैनुअली, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सर्जन हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेर फेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं, इस तकनीक को किसके रूप में जाना जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है, तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रोबोटिक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेवन, अ क्लाइंट प्रोग्राम यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विस एंड डेस्क रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट सेवाओं तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक क्लाइंट प्रोग्राम और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध के संसाधन है, तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे इसमें, तो जल्दी बताइए आप सभी। और स्टूडेंट्स आप सभी जो क्लास में आ चुके हैं तो आप सभी क्लास में लास्ट तक बने रहना है और एक एक क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़िए और बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर एट, फाइबर ऑप्टिक्स हैव द एडवांटेज ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स का लाभ क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है, जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। फाइबर ऑप्टिक्स हैव द एडवांटेज ऑफ, तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को फाइबर ऑप्टिक्स का लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यूजिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेजेस ऑन द www, अपने वेब पेजों को www पर डालने के लिए आपको क्या चाहिए, बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव, पहला अ कनेक्शन टू इंटरनेट, पहले हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा वेब ब्राउजर, पहले वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद वेब सर्वर, फिर सर्वर की जरूरत पड़ेगी, इसके मतलब तीनों चीजें की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टेन एस वैन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं, तो जल्दी से बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स, निम्नलिखित में से कौन अन्य सदस्यों से भिन्न है, तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर गूगल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, डेथ इज द साइंस डेट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स डेट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डेट वुमेन डू, जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मानव करता है, तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम AI बोलते हैं, ठीक है, AI को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, डेट इज द डाटा हैज बीन रिऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन, तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वह डेटा है जिसे सार्थक तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है, तो आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इनफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, कंप्यूटर डाटा को सूचना में हेर फेर करने के तरीके को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है, जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर प्रोसेसिंग।
ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई का फुल फॉर्म बताना है आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? ऑप्शन नंबर ए कंटेंस आर वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीआरएस? एबीआरएस की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, आप भी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्यूआर कोड इज इवेल्युएटेड स्कैन बाय होम। क्यूआर कोड का मूल्यांकन स्कैन किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्यूआर कोड इज इवेल्युएटेड स्कैन बाय होम। क्यूआर कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्यूआर कोड है आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैमरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द नेम ऑफ मेकिंग एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट? किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वेब होस्टिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड? क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्विक रेस्पॉन्स कोड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल व्हिच लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज? ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? तो जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है स्टूडेंट, जल्दी बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। कैन डैश अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल बाय इंस्टेंट मैसेजिंग? इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच डैश कर सकते हैं, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ बीच। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमपीएस? आईएमपीएस का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? एनईएफटी का पूर्ण नाम क्या है स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। सम वेबसाइट दैट नेटवर्क्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड। कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सोशल नेटवर्क साइट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। अवेंस कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिक डिस्टेंस सच एज ए स्टेट अ कंट्री और इवन दैट एंटायर वर्ल्ड। एक वैन एक बड़ी भौगोलिक दूरी को कवर करता है, जैसे कि एक राज्य, एक देश या यहाँ तक कि पूरी दुनिया। तो बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। अ मैन कवर्ड अ लिमिटेड ज्योग्राफिक डिस्टेंस सच एन ऑफिस बिल्डिंग और ग्रुप बिल्डिंग्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। मैन एक सीमित भौगोलिक दूरी को कवर करता है, जैसे कि एक कार्यालय भवन या एक दूसरे के निकट की इमारतों का समूह। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये स्टूडेंट हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। बैंडविड्थ रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन। बैंडविड्थ संचार लाइन की क्षमता को दर्शाता है, तो आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैन ओनली बी डन फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट और एंटायर डॉक्यूमेंट। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका
ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, अ सिस्टम दैट कैन प्रोसेस टू और मोर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। एक प्रणाली जो दो या अधिक प्रोग्रामों की संसाधित कर सकती है उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा फॉल्स। स्टूडेंट्स आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो कि समय पर सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे स्टूडेंट। और आप सभी जो बच्चे क्लास में पहली बार आए थे आप सभी प्रीवियस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेगुलर आप सभी रात को 10 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए क्योंकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेकर आ रहा हूँ डेली। तो आप सभी रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए जो कि 3% में अच्छे ग्रेड से आप पास आउट हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।